चीप डोमेन नेम, जैसे मैंने पहले भी आपको कहा था फ्रेंड्स, मुझे चीप डोमेन नेम या चीप वेब होस्टिंग के बारे में पता लगता है, वो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करता हूँ। और चीप डोमेन नेम के ऊपर तो ऑलरेडी मैं बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखे तो आप मेरे चैनल में जाके इन वीडियोस को देख सकते हैं। और आज भी मैं आपको एक ऐसा डोमेन नेम बताऊँगा, टॉप लेवल डोमेन नेम है, उसका मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊँगा, .xyz। अगर आप अपनी कोई नई वेबसाइट ब्लॉगर या फिर वर्डप्रेस में ओपन करना चाहते हैं और आप ये सोच रहे हैं कि स्टार्टिंग में हम इतना ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें डोमेन नेम के ऊपर, तो आप इस डोमेन नेम को परचेज कर सकते हैं और इसमें गूगल एडसेंस का अप्रूवल भी मिलता है, टॉप लेवल डोमेन भी है, बस आपको आर्टिकल्स अच्छे लिखने पड़ेंगे। वो कौन सी वेबसाइट है, कहाँ से आपको परचेज करना है .xyz का चीप डोमेन नेम, वो तो भी थोड़ी देर में बताऊंगा, पर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और इस बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल के ऊपर ज़रूर क्लिक करें। मैं हूं वेदांत और वेलकम है आपका टेक्नो वेदांत चैनल में। सबसे पहले आपने गूगल में जाना है, वहां पर लिखना है हीरो होस्टी। आप ये जो फर्स्ट लिंक देख रहे हैं इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आप इस वेबसाइट में आ जाएंगे। यहां ऊपर आपको मेन्यू की ऑप्शन मिल रही है, यहां पे डोमेन लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करते ही आप यहां पे आ जाएंगे और यहां पे आपको अपना डोमेन नेम सर्च करना है। technovedant.xyz के नाम से मैं पहले ही डोमेन नेम परचेज कर चुका हूँ, तो यहाँ पे मैंने techno-vedant.xyz और उसके बाद मैंने सर्च के ऊपर क्लिक करा। उसके बाद आपका ये पेज ओपन होगा, यहाँ पे आपको एक कैप्चा फिल करना है, यहाँ पे जो लिखा है आपको वही टाइप करना है जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ और उसके बाद सर्च के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब आप में से कितने लोगों के दिमाग में आ रहा होगा क्या xyz डोमेन टॉप लेवल डोमेन है, तो मैं इसका प्रूफ आपको दिखा देता हूँ। विकीपीडिया के अंदर क्लियर लिखा हुआ है .xyz इज़ अ टॉप लेवल डोमेन। आप इस पेज को देख सकते हैं, मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको रीड कर सकते हैं। और .xyz डोमेन में फ्रेंड्स गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलता है, बस आपके कंटेंट में दम होना चाहिए। अगर आपने कंटेंट उस लेवल का नहीं लिखा तो अगर आप .com डोमेन भी यूज़ कर रहे हो तो भी आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल बिल्कुल नहीं मिलेगा। और कितने लोगों के दिमाग में ये डाउट रहता है कि .xyz डोमेन नेम स्पैमर यूज़ करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, स्पैमर को .xyz नहीं। आप कितनी ऐसी वेबसाइट देखेंगे जो .in, .com में भी बनी है और उसमें भी फ्रेंड्स कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ होती है। सर्च पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि मेरा ये डोमेन नेम अवेलेबल है और वो भी .xyz, सिर्फ 79 रुपीज़ में आपको ये पड़ेगा। और उसके बाद आपने ऐड टू कार्ट के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर आप देखेंगे मेरा डोमेन नेम ऐड हो चुका है, यहाँ पर लिखा है कॉन्टिन्यू टू कार्ट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगी, DNS मैनेजमेंट और ID प्रोटेक्शन। ID प्रोटेक्शन लेना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आपको 350 रुपये साल का देना पड़ेगा और DNS मैनेजमेंट यहाँ पे आपको एक साल के लिए फ्री मिल रही है, बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑफ है, चाहे तो आप इसे यहाँ से ऑन भी कर सकते हैं। ये सब करने के बाद आपने कॉन्टिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखेंगे एक्चुअल में जो .xyz डोमेन की कॉस्ट है वो 79 रुपीज़ है, प्लस 18% टैक्स लगा, तो आपको ये 93 रुपीज़ 22 पैसे का पड़ा। अब यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, सारी पर्सनल डिटेल्स ऐड करनी है, यहाँ से आपको पेमेंट मोड भी मिल जाएगा। ऊपर सारी पर्सनल डिटेल्स फिल करने के बाद आपने इस चेकबॉक्स पे टिक करना है और कंप्लीट ऑर्डर के ऊपर आप क्लिक करेंगे। कुछ देर पहले मैंने ये वीडियो अपलोड करा था जिसमें मैंने ये बताया था कि हम मेहनत तो करते हैं पर हमारी अर्निंग क्यों नहीं होती है, क्या ऐसा रीज़न है? अगर आपने उस वीडियो को स्किप कर दिया है या फिर आपने अभी तक उसे नहीं देखा तो उस वीडियो को फ्रेंड्स आप ज़रूर देखें। मैंने पूरे वीडियो में इतने पॉइंट्स आपको बताया, अगर उन पॉइंट्स को आप फॉलो करेंगे तो फ्रेंड्स आप अपनी लाइफ में कभी भी ये क्वेश्चन दिमाग में नहीं लाएंगे कि हम मेहनत करते हैं और हमारी अर्निंग क्यों नहीं होती, इसलिए आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। यहाँ पर आप देखेंगे मेरे पास काफ़ी सारी ऑप्शंस आ चुकी है, पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, भीम UPI, नेट बैंकिंग। आप इनमें से जिसको भी यूज़ करना चाहते हैं जस्ट आपने उसके ऊपर टिक करना है और यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है अगर आप पेटीएम यूज़ कर रहे हैं तो। उसके बाद आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल में एक OTP आएगा, उस OTP को आपने यहाँ पे ऐड करना है और उसके बाद यहाँ लिखा है वेरीफाई, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद ये प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी, आपको रिफ्रेश पेज बिल्कुल भी नहीं करना और यहाँ पर आप देखेंगे मेरा ऑर्डर कंफर्म हो चुका है, नीचे लिखा है कंटिन्यू टू क्लाइंट एरिया, इसके ऊपर मैंने क्लिक करा। यहाँ से मेरे पास मैसेज आ रहा है सेंड वेरिफिकेशन कोड का, इसके ऊपर मैंने क्लिक करा। उसके बाद फ्रेंड्स मुझे एक कोड मिला है, इस कोड को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आके इसे पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद वेरिफिकेशन नाउ के ऊपर मैंने क्लिक करा, यहाँ पर आप देखेंगे मेरी वेरिफिकेशन सक्सेस हो चुकी है। अगर आप इनकी कोई होस्टिंग लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं, बहुत चीप प्राइस में आपको ये होस्टिंग मिलेगी।
और यहाँ पे आप जो होम का बटन देख रहे हैं इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और आप देखेंगे techno-vedant.xyz डोमेन ने मेरा यहाँ से एक्टिव हो चुका है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और इस बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल के ऊपर ज़रूर क्लिक करें।